अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पाकिस्तान में बदनवानी में इजाफे की रिपोर्ट, 10 साल में सबसे बुरी दर्जाबंदी और पाकिस्तान का 124 से 140 दर्जे पर तंजली हुई है। एहतसाब और इंसाफ के हुकूमती दावे क्या हुए और सबसे बढ़कर है, चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब जब इक्तदार में नहीं थे तो उस वक्त वो कहते थे कि 90 दिन में ये करप्शन ख़त्म कर दूँगा। अब 3.5 साल गुजर गए, करप्शन ख़त्म नहीं हो रही बल्कि उसमें इजाफा हो रहा है। इजाफे की वजूहात क्या हैं, चूँकि प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि मैं माफियाज मुझसे NROs मांग रहे हैं, मैं अपनी कैबिनेट के अंदर या कैबिनेट से बाहर भी कोई भी MLA MPA या हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी फ़र्द होगा तो उसका कड़ा एहतसाब होगा। जो दावे किए गए थे कि जो बाहर मुल्क से बाहर दौलत पड़ी हुई है उसको वापस लेके आएंगे, जो चोर हैं डाकू हैं उनको सज़ाएं होंगी, एहतसाब नहीं हो सका। एहतसाब का निज़ाम और चैलेंजेस क्या हैं, क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं मौजूदा हुकूमत को, और मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है वो कितनी बेहतर है, और क्या सही मानूं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतसाब के नारे पे हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी, जो दावा करती थी कि इंसाफ भी होगा और एहतसाब भी होगा, उसमें कितनी कामयाब रही, और जो इस तरह के रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स देखने के बाद 3.5 सालों में भी महंगाई, जहाँ पे महंगाई में इजाफा ज़रूर हुआ वहाँ पे करप्शन और इस तरह के जो अनासर हैं उसमें भी तेज़ी से इजाफा, इसकी क्या वजह बनी, और अब अपोजिशन इस रिपोर्ट को भी एक जुर्म करार दे रही है और वो कह रही है कि मौजूदा हुकूमत, हम पहले ही कह रहे थे ये नाहल है, इसको घर जाना होगा। अपोजिशन एक बार फिर सरगर्म हो गई और वज़ीर आज़म चूँकि कैबिनेट का इजलास उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती है कि अदलिया हो, एहतसाब के इदारे हों, वो एहतसाब करने में नाकाम है चूँकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या चैलेंजेस हैं, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है स्टूडियो में, तशरीफ़ रखते हैं जनाब शबीर कुरैशी साहब, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कुरैशी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ नाज़िर गबोल साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, नुमाइंदगी कर रहे हैं। गबोल साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और नजीबुद्दीन ओवैसी साहब, MLA हैं मुस्लिम लीग नून के, वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट शहजाद अनवर साहब, साबिक DG NAB हमारे साथ मौजूद हैं, और एहतसाब के अमल को, एहतसाब को और पाकिस्तान के इस निज़ाम को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं। शहजाद अनवर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शहजाद अनवर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासतौर इमरान खान साहब ने जो करप्शन के खात्मे के वाले से, करप्शन की जो दावे वो करते थे, फिर जब इक्तदार संभाला उन्होंने कहा कि 90 दिन में करप्शन ख़त्म करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्टेटमेंट्स भी बदलती रही, अब 3 साल हो गए हैं, और आज की इस रिपोर्ट को आप किस तरह देखते हैं, क्या चैलेंजेस हैं और इस माशरे से बदनवानी कैसे ख़त्म होगी? शहजाद अनवर साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल, आप क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे नहीं समझ आई कि आपने मुझे एड्रेस किया है। जी मैंने मेरा सवाल आप ही से था कि आप इस सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से बिल्कुल ठीक है, मैं और सवाल आपका सुन लिया। जी पहली बात तो यह है कि दो चीजों को आप आपस में नच्ची मत कीजिए। जो नैरेटिव था तहरीक इंसाफ का वो था एहतसाब। जी बिल्कुल, उसके बाद उसका जो रिजल्ट निकलना है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रिजल्ट बाद चीजों का तो आपके हाथ में ही नहीं है। आपने एक बात की कि जी एसेट रिकवरी, अब जो मुल्क से बाहर एसेट हैं वो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान गवर्नमेंट या NAB इसके हाथ में नहीं है। ठीक, तो एहतसाब का जहां तक अमल था तो आप देखिए कि जो बड़े बड़े केसेस थे, मैं इस बारे में पिछले जो एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के शहजाद अकबर साहब, उनको क्रेडिट ये जरूर दूंगा कि वो बहुत ही डिटेल में और बहुत छुपी हुई चीजें लेके सामने आए। ये खासकर ध्यान में रखिए कि आजकल की जो करप्शन है वो इस तरह नहीं होती कि किसी बंदे ने 10 रुपए दिए और उसको मजिस्ट्रेट ने मौके पे पकड़ लिया। ये इतनी लेयरिंग में होती है, इतनी ऑफशोर कंपनीज को बीच में इन्वॉल्व किया होता है कि जब वो वापस आती है आपको लीगल मनी में कन्वर्ट होती है तो ना तो उसकी सोर्स पता चलती है कि वो किधर से आई है और ना ये पता चलता है कि बेनिफिशियरी कौन है। ठीक, तो ये आजकल बहुत टेक्निकल काम है और शहजाद अकबर साहब ने बहुत सारी चीजें कानून के मुताबिक
एक चीज जहन में रखिए कि शहजाद अकबर साहब का ताल्लुक नैब से नहीं था, वो एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर के एहतसाब के सिलसिले में। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि नैब टोटली ऑटोनोमस बॉडी है, उसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना ही वो शहजाद अकबर के अंडर काम कर रही थी। सिर्फ कानून के मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो रेफरेंस भेज सकती है नैब को कि आप इसके ऊपर तफ्तीश करें। तो वो रेफरेंस जो उन्होंने बनाए, मैं समझता हूँ बड़ी अंग्रेजी से, और क्योंकि मेरा उनके साथ ताल्लुक नैब में भी रहा है कि वो जब नैब में मौजूद थे तो बहुत मेहनत से केसेस बनाते थे और उनके बनाए हुए केसेस स्टैंड करते थे। अब आ जाती है रिजल्ट की बात। ठीक, लेकिन सर मैं चाहूंगा इस शहजाद अकबर साहब पे ही मैं एक कमेंट और आपका ले लूं, फिर हम इंडेक्स की तरफ आएंगे। आपने जरा उनके साथ काम भी किया, और उनके घर जाने की, इस्तीफा देने की फिर वजह क्या बनी, और जिस तरह कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप जरा करीब से जानते हैं उनको, कि उनका एसेट रिकवरी यूनिट जो था वो भी खातिर ख्वाह उसमें कामयाबी उनको नहीं मिली, गो कि उन्होंने इकदाम बहुत अच्छे किए, अपनी तरह से इनिशिएटिव बहुत अच्छे लिए, लेकिन वजह क्या बनी, प्राइम मिनिस्टर क्यों उनसे नाला हुए और क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती है। आपने भी कहा कि उन्होंने इकदाम बहुत अच्छे किए, मुझे भी इल्म है कि वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ कोई ऐसा एमओयू साइन हो जाए, क्योंकि देखिए यूएन कैक के मेंबर तो बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन बायलैटरल जब तक आपके कोई माहदे नहीं होते तो आप एक दूसरे के जो मुलजिम होते हैं उनको आप एक्स्ट्राडाइट भी नहीं करवा सकते, उनको ला भी नहीं सकते, और एसेट्स भी आपको रिकवरी करने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आपको उनके लॉ के तहत केस लड़ना पड़ता है उनके मुल्क में जाके, कि ये साबित करना पड़ता है कि ये जो एसेट हैं ये इलीगल पैसों के हैं या क्रिमिनल प्रोसीड है। तो अब बात ये आती है कि उन्होंने तो अपनी पूरी मेहनत की थी, लेकिन क्योंकि 3-3.5 साल, अब आप इसको दूसरी तरफ भी देखिए पॉलिटिकली कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये प्रेशर है कि वो रिजल्ट मांगते थे, और ये बड़ी मुश्किल है कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं ये रिजल्ट नहीं देते इतनी जल्दी। आप पिछले रिजल्ट देखिए, आप इवन वो जो स्विस केसेस थे या उसमें वो कितने कितने साल लटके रहे, और अल्टीमेटली बाहर उस वक्त एनआरओ क्या वो आ गया और वो खत्म हो गए, और वो आप दोबारा पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको ना बहाल। शहजाद अकबर साहब, जो नया बंदा भी आएगा वो रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेगा इतने कम अरसे में, जिस तरह आपने भी कहा प्राइम मिनिस्टर को, और फिर उनको अवामी प्रेशर भी है, अपोजिशन का प्रेशर भी है कि हमें रिजल्ट चाहिए, 3.5 सालों में आपने 1 रुपया वापस नहीं लाया, तो कोई भी बंदा होगा, शहजाद अकबर साहब हों या उनके बाद भी कोई आएगा, तो कैसे ये रिजल्ट देगा फौरी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि रिजल्ट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे उसका इनसार है, क्योंकि अगर एसेट जितने पैसे मुल्क में है या मुलजिम मुल्क में है उनके साथ तो कोर्ट निपट सकते हैं। अब कोर्ट्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, आप उधर दूसरी तरफ देखिए, एक एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास 50 से ज्यादा केसेस हैं, जिन रेफरेंसेस हैं जिनको वो निपट रहे हैं। अगर वो डे टू डे हेयरिंग भी करें, दिन रात लगा दें, आप खुद उनकी काउंटिंग कर लीजिए, तो ये केसेस जो है कई साल तक चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि डिफेंस जो होता है, वो इतने नंबर ऑफ विटनेसेस ले आता है, इतनी ज्यादा वो कोर्ट में ला के रखता है, ताकि वो उनकी तो सर्वाइविंग इसी में है कि केस इतना डिले हो जाए कि या तो एविडेंस जो है वो खत्म हो जाए, या विटनेसेस रिजाइल कर जाए, या विटनेसेस अपनी तबाही मौत मर जाए, किसी तरह ये केस जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंच ही ना सके। ठीक है, तो डिफेंस की तो ये कोशिश होती है। ठीक है, अब हमारे पास कोर्ट जो है, आप देखिए 1200-1300 केसेस हैं और कोर्ट आपके जो है वो 20-25 हैं, तो अब कितने किस तरह वो कोर्ट हल करेंगे। दूसरी तरफ मैंने कहा कि जी एसेट बाहर हैं, तो बाहर आपको केस पहले आप अपने मुल्क में कोर्ट में जीत के फिर बाहर आप पहुंचते हैं, वहां आपको केस करना पड़ता है, उनके कानून के मुताबिक ये साबित करना पड़ता है कि ये जो एसेट है ये हमारे पाकिस्तान के इलीगल प्रोसीड यहाँ से वहां गई हैं, क्रिमिनल प्रोसीड हैं, लिहाजा ये पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो जो अब आज जो रिपोर्ट आई है, जो इंडेक्स है, इसको सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, चूंकि आज जितनी रिपोर्ट्स हो रही हैं, जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यूं लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई अपने बयानिए को बिल्ड करने में। आप समझते हैं कि ये रिपोर्ट एक चैलेंज के तौर पर लेंगे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम, और कारकर्दगी बेहतर करेंगे, इन चीज मजीद इकदाम करेंगे जो पाकिस्तान की हद तक हो सकते हैं, या ये एक और प्रेशर बनेगा पीटीआई हुकूमत पे? देखिए, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ को रिजल्ट और एहतसाब दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। जहां तक उनका एहतसाब का
नैरेटिव था वो पूरा कर रहे हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे इस हिसाब से कि उन्होंने हर करप्शन को कुरेदा है, निकाला है और उसको वो कटहरे में ले आए हैं। अब रिजल्ट तो उनके हाथ में नहीं है ना, क्या नैब उनके अंडर काम कर रही है? ऐसा तो नहीं है, नैब तो टोटली इंडिपेंडेंट इदारा है और वो अपनी बना के प्रोसिक्यूशन कर रहा है कोर्टों के अंदर और कोर्ट अपना उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब आ जाते हैं इंडेक्स की तरफ, परसेप्शन इंडेक्स। पहली बात तो ये है कि ये परसेप्शन इंडेक्स शुरू से जब आज तक चला आ रहा है, इसमें कंट्रीज शामिल हो रही है, यूएन कैग के तहत काफी ज्यादा लोग इसके अंदर आ रहे हैं। तो पहले तो ये देखना है कि जी आज 140वां नंबर है पाकिस्तान का कितने मुल्कों में, और जब पिछला था 127 तो कितने मुल्कों में से था, टोटल क्या था। क्योंकि हमेशा जब ये आपने किसी को रगड़ा लगाना होता है तो आप ऊपर से देख लेते हैं कि डाउन हुआ है, और जब आपने रिवार्ड लेना होता है तो आप नीचे से देखते हैं कि जी पहले तो हम नीचे से 22वें नंबर पे थे तो आज आप नीचे से हम 28वें नंबर पे हो गए हैं तो आप अचीवमेंट लेते थे। मेरा ख्याल है कि आज आप 180 मुल्कों में से 140 पे हैं, तो आप नीचे से 40 हैं, तो किसी वक्त आप नीचे से 17 भी थे, जब बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूं। तो ये नीचे से देखने वाली बात भी एक तो ये है। दूसरा, परसेप्शन इंडेक्स जो बेस करता है वो बहुत सारी चीजों पे करता है, सोसाइटी की डिग्रेडेशन जो है वो इसके अंदर वो भी शामिल होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो भी शामिल होती है, टोटली इसके अंदर ये जो मॉनिटरी करप्शन है यही शामिल नहीं होती जिसके साथ नैब निपट रही है। बिल्कुल शिदान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इथिकली भी हमारा माशरा, ये एक हुकूमत की बात नहीं है, पूरे माशरे की जब हम बात करते हैं तो हम हर जगह पे करप्शन इन्वॉल्व है, और ज़ाहिर है हमारा जो जिस तरह का माहौल है, लेकिन इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? आपके वक्त से फ़ायदा उठाते हुए, आप क्या समझते हैं कि बींग अ सोसाइटी हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, चूंकि सिर्फ हुकूमत के बस की बात नहीं है, हम हर फर्द ने इसमें हिस्सा डालना होगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही कहा है कि आप फायर फाइटिंग नहीं कर सकते, आपको रूट कॉज को देखना है कि आपका अगर मुआशरा डिग्रेड हो रहा है, सोसाइटी में जरूरत है। तो एक बहुत अच्छा काम नैब ने शुरू किया था कि स्कूल लेवल के ऊपर जाके अवेयरनेस देनी शुरू की थी कि करप्शन इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और अपनी जात के लिए कितना नुकसानदेह है, वो चीज बड़ी जरूरी है। आपको करेक्टर बिल्डिंग करनी पड़ेगी बच्चों की, ताकि वो आज आने वाले माशरे में उनको पता हो पहले कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, क्योंकि देखिए स्कूल कॉलेज में आपको बड़े सारे सबक बाग नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको पता चलता है कि मुश्किलात क्या हैं और कितने कितने बड़े भेड़िए जो हैं वो मुंह खोल के बैठे हुए हैं, और जहां भी वो नौकरी करने जाएंगे तो सबसे पहले करप्शन ही उनका सामना करेगी। तो इसलिए सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस पब्लिक को करप्शन के नुकसानात की पहुंचाई जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है जनाब शहजाद नंबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जिस तरह शहजाद नंबर साहब बता रहे थे कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, माशरा बेहतर होगा तो करप्शन ख़त्म होगी, कोई भी हुकूमत हो, हुकूमत अकेले इससे नहीं लड़ सकती, सोसाइटी का अपना किरदार अदा करना होगा सोसाइटी को। शबीर कुरैशी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, चूँकि नंबर्स जो आ रहे हैं वो आपके सामने हैं, जाहिर है उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जाहिर है स्टैंडर्ड्स भी आपने सेट किए थे कि इस स्टैंडर्ड्स पे हम लेके जाएंगे, 90 दिन में करप्शन का खात्मा होगा, वो सारे इकदाम जो हैं वो धरे के धरे रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले बात तो ये कि करप्शन का हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में, खास इस्लाम में, हमने जो बचपन से एक चीज़ सीखी कि हलाल और हराम की तमीज़, हमारे माशरे में जब तक हलाल हराम की तमीज़ नहीं आएगी तो इस टाइप की चीज़ें बढ़ती रहेंगी। लेकिन ये जो हुआ, देखिए इसमें जो है, जो करप्शन आज हुई है, जो आप एक शोर हो रहा है कि जनाब तो सब चीज़ें हो रही, तो इसका तो फिर ये कि जनाब आप नीचे आएँ ऊपर आएँ, ये अपनी मर्जी से इन्होंने कर दिया जाता है। लेकिन करप्शन जो शुरू हुई थी ना, करप्शन का जो स्टार्ट हुआ है, हम सबको गवर्नमेंट में देखते हैं कि तमाम करप्शन का, अब हम चीख चीख के थक जाते हैं कि जनाब कराची की गंदुम, सिंध की गंदुम, अरबों रुपये की गंदुम चूहे खा गए, कैसे खा गए समझ नहीं आ रहा। पूरे 13 साल 14 साल हो गए सिंध गवर्नमेंट को, तो ये आपने बताना ना कैसे खा गए, वो हम तो बताते थे उनको, सिंध गवर्नमेंट को 14 साल हो गए जनाब, 14 साल में उन्होंने कितना, हर साल बजट आता है, हर साल बजट का मतलब 1200-1300 अरब आता है, आया उसका कभी इन्होंने किया? अच्छा, एक साफ सी बात, अभी FIR की रिपोर्टें भी आएंगी कि जनाब इनके बड़े बड़े मिनिस्टर जैसे तैमूर तारफू साहब, उनका जो है इनकम टैक्स जो उन्होंने दिया 6000, लाइफ स्टाइल देखे ना, देखिए दुनिया में,
देखिए यहाँ करप्शन, ये सिस्टम आपने ही सही करना था ना, ये जो कह रहे हैं हम वही जब बात करते हैं सीधी बात होती है, दुनिया में जब किसी की करप्शन पकड़ी जाती है उसको देखा जाता है कि वो टैक्स कितना दे रहा है और उसकी लाइफ स्टाइल क्या है। देखिए यहाँ इवन के आप देखे वो मुकेश कुमार चावला साहब उनका जाना जो टैक्स दिया 32,000 लेकिन बहुत से सुबह मिनिस्टर जिन्होंने हजारों में टैक्स दे रहे उससे ज्यादा हम लोग दे रहे हैं, हजारों में टैक्स दे रहे और उनका लाइफ स्टाइल देखे तो ये करप्शन तो क्या है ना, करप्शन करप्शन तो ये भी है कि जो 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 पानी के अंदर दूध के अंदर पानी डाल के मिलावट करता है वो भी करप्शन है इथिकली। लेकिन इकदाम करने आपकी जिम्मेदारी है, इकदाम की बात करते नादिक बोल भाई, सारा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे या नून लीग पे चला जाता है, अभी ये आपके सामने आप ही के मिनिस्टर्स आप ही की हुकूमत के लोगों को कह रहे हैं कि करप्शन तो वो कर रहे हैं, हम क्या करें। देखें करप्शन का जो इंडेक्स है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो पाकिस्तान बदतर हो गया ना, इमरान खान साहब तो कह रहे थे मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, तो ये बताएं कि 3.5 साल बाद करप्शन में फिर हम बदतर कैसे हो गए, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये मुकेश चावला वगैरह सही है ठीक है उनसे भी पूछें, मगर मेरा सवाल ये कि इमरान खान साहब कहते थे कि जब महंगाई बढ़ेगी तो आप समझ जाओ कि प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के 2017-2018 के टैक्स रिटर्न्स देखें और 2019 के टैक्स रिटर्न्स देखें, उसमें इमरान खान साहब ने अपनी जो जायदाद है उस इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि उनका जो टैक्स की अदायगी थी वो कोई 100 गुना जाके बढ़ गई है। तो इमरान खान साहब मतलब सही कह रहे थे कि महंगाई बढ़ेगी तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, इसी वजह से इमरान खान साहब की जो ज्यादा वैल्यूएशन है जो एसेट्स है वो बढ़ गए, उसी वजह से उन्होंने फिर ज्यादा टैक्स दिए। ऐसा एक साल में क्या हुआ वो बताएं ना आवाम को, हर चीज महंगी हो गई है, बिजली रोटी, हालांकि वो बता चुके हैं तनख्वाह भी बहुत कम है इसमें गुजारा नहीं होता, वो ये भी बताते हैं कि तनख्वाह कम है और गुजारा नहीं होता, मगर जो आम पाकिस्तानी है इस वक्त आप बाकी पाकिस्तान में देख लें कि तनख्वाहें कितनी है, और सिंध में अल्लाह का शुक्र हमने मिनिमम 25,000 तय किया है, तो ये भी सिंध की मतलब एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि मिनिमम वेज हमने सबसे हाईएस्ट रखा है। ये कह रही है कि ये रिपोर्ट जो है वो मौजूदा हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील होगी, इस चीज़ को आप कैश करा पाएंगे? इससे पहले हमने देखा कि पीटीएम जो है वो माहौल नहीं बना सकी, पाकिस्तान पार्टी अलग से किसान मार्च कर रही है, फिर 27 को आपने निकलना भी है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। आप समझते हैं कि इस रिपोर्ट को बेस बनाकर अब हुकूमत को आप टफ टाइम दे सकेंगे तमाम पोजीशन? देखिए सबसे बड़ा जो कील जो इस हुकूमत के नाहल हुकूमत के अंदर है वो आवाम की जो दुख है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, एक आम इंसान इस वक्त मजबूर है, रोज़ अखबार में हम पढ़ते हैं कि कोई ना कोई फैमिली मजबूर हो गई खुदकुशी करने के लिए क्योंकि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दिला सकते थे। तो ये सबसे बड़ा चीज़ होगा जिसकी वजह से इमरान खान साहब घर जाएंगे, और किसान मार्च पहला हमने किया है क्योंकि जो किसानों के साथ हो रहा है वो अपनी जगह, मगर जो ओवरऑल महंगाई की सिचुएशन है उसके खिलाफ जब लॉन्ग मार्च हम निकालेंगे 27 तारीख को, आप देखेंगे कि भारी तादाद में आवाम निकलेगी और इमरान खान को घसीट के निकालेगी प्राइम मिनिस्टर हाउस के, भैया आपने तो वादा किया था कि आप महंगाई कम करेंगे, आप स्विस बैंक से पैसे निकाल कर रहेंगे, मगर ये तो डेली प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं अगले 5 साल भी हमारी बारी है, नहीं ये 1.5 साल भी अगले 5 साल भी बहुत मुश्किल है क्योंकि आवाम जो है इस वक्त इतना नफरत करती है इमरान खान साहब से सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से, बाकी सब चीजें अपनी जगह महंगाई की वजह से। करप्ट अफराद और एफसा लूटी हुई दौलत वापस लाना, ये सबसे बड़े दो जो वादे थे ना शुरू के ये थे पिछले, ये जो आपका ईस्ट रिकवरी यूनिट है जिस पे अभी शहजाद अनवर साहब भी बात कर रहे थे, उसमें एक रुपया भी वापस नहीं ला सके, उल्टा वहाँ पे जो केस था वो शहबाज शरीफ और उनके बेटे जीत के और वही बुनियाद बनी शहजाद अकबर साहब को घर भेजने में। अच्छा देखें पहली बात तो मैं अपने भाई नादिर भाई नादिर कबूल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ महंगाई की वजह से तंग है। अच्छा देखिए महंगाई दुनिया का इंटरनेशनल वो है ना कि इन्होंने भी तस्लीम कर लिया, इससे भी ये कह रहे हैं इंटरनेशनल है, उसके बावजूद हमारे यहाँ कम है, तो फिर यहाँ लोगों को खुश होना चाहिए था ना, कर लिया कि करप्शन की जिम्मेदार हम नहीं है। हाँ महंगाई वो दुनिया का अकालमी मसला, देखे मैं जब है जहाँ हम करप्शन की बात करते हैं तो आपकी जो कैबिनेट में ना लेफ्ट राइट बैठे हुए सारे वही वो खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं ब्लैकमेल नहीं हूँ, देखे ना वो उनकी बहादुरी है, उनको निकाल के बाहर करें, उनको कैबिनेट से बाहर निकालें, ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज ये कि मैं दोबारा अपनी बात को करप्शन पर लेकर आकर करूंगा कि हमने वफाक पे नैब बनाया तो नैब को आप इस ये जो टर्न ओवर में जितना काम करते हुए देखा आज कभी आपने नहीं देखा। अच्छा सिंध में एंटी करप्शन सेल आए, मैं सवाल करता हूँ सिंध पे आ जाते हैं आप, पहले वफाक तो कर लें, वफाक तो कर लें, करप्शन की बात कर, हां तो करप्शन की बात हो रही है, सिंध में ही हो रही है करप्शन, पंजाब में तो कुछ नहीं हो रही है, केपी में तो दूध और शहद की नहरें भी करते हैं, तो सिंध की बात करें, सिंध का नुमाइंदा हूँ सिंध की बात करूंगा भाई मैं, एफपीएस
सुबह असेंबली का मेंबर हूँ, तो अपने सिंध की बात को फिर अपने घर की बात को। देखा एंटी करप्शन इदारा है। अच्छा। मैं सवाल करता हूँ एंटी करप्शन का, आइया 5 साल 17 साल में तुमने कितने केस रजिस्टर किए, लेकिन नेप ने इन सालों में, इन 1.5 सालों में कई केस आपने वक्त दिया। स्टूडियो में हमारे साथ नाजिक बोल साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पार्टी से, और शबीर कुरैशी साहब एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, स्टूडियो में मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं इस रिपोर्ट को, और खासतौर पर जो हुकूमत दावे कर रही थी 90 दिन में करप्शन का खात्मा हो जाएगा, और ख़ासतौर पे बाहर जो दौलत पड़ी हुई है वो तो पहले 2 महीनों में ही इन्होंने वापस मुंह पे मारनी थी, लेकिन आज की ये रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के बाद आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का जो एहतसाब का बयानिया था वो कितना डिच हुआ? नजीब साहब, नजीब अयूब, नजीबुद्दीन साहब जी, नजीब साहब आवाज आ रही है आपको? नजीब साहब तक आवाज नहीं पहुंची, कोशिश करेंगे हमारा रابطہ बहाल हो सके, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब जो गुफ्तगू का आगाज है वो हम ब्रेक के बाद करें, प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का। और नाज़रीन, हम एहतसाब के हवाले से, और खास तौर पे एहतसाब का जो नारा था वो नारा कितना कामयाब रहा, और अगले 1.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कितना मार्जिन होगा कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करे, वो बल्दियात को बेहतर करेगी, वो महंगाई ख़त्म करेगी, एहतसाब बेहतर करेगी? बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और फिर इलेक्शंस भी सर पे हैं, प्राइम मिनिस्टर एक तरह दावा कर रहे हैं कि हमने अगले इलेक्शंस भी जीतने, क्या ये 1.5 साल सही मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकेगी? इस पर बात करेंगे, उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।